सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ हर्षित एंड यू आर वाचिंग फ्यूरी फिट्स एंड व्लॉग्स. सो मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी कि मैं बताऊंगा कि मेरी जो जॉब लगी है वो कैसे लगी है, कैसे कोई एक एथलीट जो नेशनल खेला है और मतलब अच्छा एथलीट हो आप अगर, तो आपकी जॉब गवर्नमेंट जॉब कैसे लग सकती है विदाउट एनी एग्ज़ाम और विदाउट एनी ट्रायल. कोई भी फिजिकल वगैरह नहीं होगा. मेरी जॉब भी डायरेक्ट लगी है. जो मेरे को अपना ज्वाइनिंग लेटर मिला वो मिला मेरे को 11 मार्च, हाँ 11th ऑफ मार्च को मेरे को अपना ज्वाइनिंग लेटर मिला. जो हमारे सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने मेरे को दिया डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर. मेरे साथ साथ 28 मतलब मेरे को मिला के 28 एथलीट्स थे जो कि जिनको मतलब जॉब मिली है, और भी मतलब अभी बाकी को भी मिल चुकी है जो भी जिन्होंने भी फॉर्म भरा था. तो ये फॉर्म क्या है क्या नहीं है ये पूरा बताऊंगा मैं इस वीडियो में. तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो और समझो और मेहनत करो अपने गेम पे. तो मैं बताता हूँ, मेरा जो जॉब लगी है वो मेरे गेम से लगी है. वैसे आर्म रेसलिंग से जानते हो आप सब मेरे को, मोस्टली जो भी जानता है मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करता है सब्सक्राइब करता है जो भी इंस्टा पे है, सबको लगता है कि मैं एक आर्म रेसलर हूँ. पर आर्म रेसलर से पहले मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ. मैं अपना मार्शल आर्ट करता हूँ, मेरा गेम वही है. तो जो मेरा मेन गेम है वुशु, तो उससे लगी मेरी जॉब. वुशु एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है. ज़रूरी नहीं कि आप वुशु खेलो, कोई भी स्पोर्ट, पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप जो भी अपना स्पोर्ट खेलो वो एक ऑथेंटिक फेडरेशन से खेलो. ऑथेंटिक फेडरेशन मतलब जो कि रजिस्टर्ड हो और जिसका आगे मतलब फ्यूचर हो. जैसे वुशु की एक ही फेडरेशन है अभी, तो एक ही फेडरेशन का फ़ायदा ये है तो कि जो नेशनल गेम होगा उसमें वही फेडरेशन है, वर्ल्ड गेम्स होते हैं उसमें वही फेडरेशन है, एशियन गेम्स होते हैं उसमें वही फेडरेशन है. वुशु गेम से ही काफ़ी सारे अर्जुन अवार्डी भी हमारे पास, द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल रहा है काफ़ी को. तो इसलिए एक ही फेडरेशन हो तो फ़ायदा है. जो भी आप स्पोर्ट खेलते हो उसके फेडरेशन, जिस जिस फेडरेशन से आप खेल रहे हो आपको उसके बारे में सर्च करनी चाहिए कि वो फेडरेशन वैलिड है या नहीं है, कहाँ से रजिस्टर है, तभी आपको फ़ायदा है खेलने का. नहीं तो बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनका मतलब जो पोटेंशियल है, टैलेंट है, जो वेस्ट हो रहा है. बहुत सारे एथलीट्स हैं, मतलब मैं अगर मैं पर्सनली भी गिनवाऊँ ना, मतलब पर्सनली भी बहुत सारे आपको दिखा दूँगा एथलीट्स जो मतलब अच्छा खेलते हैं पर फेडरेशन से नहीं, अच्छी फेडरेशन से नहीं खेलते तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता. तो मेडल्स देख लो, मेडल्स बहुत हैं पर इन मेडल्स का फ़ायदा नहीं है. मेडल्स मेरे कट्टा भर के पड़ा है क्योंकि जब मैं 4 साल का था मैं तब से मार्शल आर्ट कर रहा हूँ. 2006 में जब मैं 6 साल का था तब मैंने पहले अपनी नेशनल खेली थी कराटे की, तो उसमें मेरा गोल्ड आया था. उसके बाद खेलता गया. 2007 में मैंने दूसरी नेशनल खेली, वो था मुईथाई. मुईथाई एक थाईलैंड की मार्शल आर्ट है, सबको पता ही होगा, मतलब जनरल सा ही बात है, सबको पता होता है. तो खेलते 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 2018 में जब मेरा 18 का हो गया, मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ, तब मेरे पापा ने मेरे को जो पुलिस टीम है हमारी वुशु की, और हमारी मैम कोच है, हमारी जो पुलिस की कोच है मेरी मैम है, हमारी कोच मैम अंजना मैम, उनके अंडर मेरे पापा ने मेरे को डाला. और तब से मतलब मैं वुशू कर रहा हूँ. 2018 से 18-19 लगा लो मैंने वुशू की प्रैक्टिस करी, और 19 में पहला नेशनल खेला. स्टेट में जो लेवल होता है उसमें मेरे को लगा कि मतलब काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करी मैंने, मतलब स्टेट में क्लियर हो गया. जब नेशनल खेलने गया तब वहाँ पे जाके अपना लेवल दिखा कि मतलब कुछ नहीं है, मतलब जो स्टेट में मेरे को 100 लग रहा था ना वो नेशनल में जाके बिल्कुल डाउन, कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे मैं 10% भी लग रहा हूँ अपने आप को. तो फिर मेहनत करते करते फिर कोविड के 2 साल तेज निकल गए, और 2021 में मेरा पहला मेडल आया नेशनल में. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारी नेशनल थी तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज आया. उस टाइम पे भी मेरे को जॉब ऑफर आए थे. अगर आप अच्छे फेडरेशन से खेल रहे हो और ऑथेंटिक है वो, तो सर्विसेज वगैरह SSB ITVP इन सब से भी आपको जॉब ऑफर आते हैं उसी पॉइंट पे. मतलब मेरे को जब मेडल पहनाया गया वहाँ पे तो उस टाइम पे ही मेरे को जो फर्स्ट और सेकंड थे वो भी ITVP और सर्विसेज वाले थे, उनको चाहिए अच्छे प्लेयर्स, उनको वो चाहते हैं कि उनकी जो उनका जो डिपार्टमेंट है उसका नाम हो. तो हर एक डिपार्टमेंट चाहता है कि उनके पास अच्छे प्लेयर्स हो जो उनका डिपार्टमेंट का नाम रोशन करें और अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करें. ठीक है, तो अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो अपने गेम पे मेहनत करो और एक अच्छी फेडरेशन जुड़ो. तो जैसे कि मेरा ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पर आया, तो उसके बाद नेशनल गेम्स के बारे में बता दूँ क्या होता है.
एक तरह से समझ लो इंडियन ओलंपिक होता है, इंडियन ओलंपिक जो होती है वो गेम कराती है, ठीक है। सेंट्रल और जो स्टेट का गवर्नमेंट मिलके ये गेम कराती है, जिस स्टेट को अथॉरिटी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके उसके साथ गेम कराती है, तो इंडियन ओलंपिक ये होता है गेम, नेशनल गेम्स बोलते हैं इनको। तो हर 2 साल में होते हैं, तो 2 साल कोविड के नहीं हुए, तो गुजरात में ये गेम हुए थे। उसके बाद ये 2022 में शायद, हाँ 2022 में ये गेम हुए गुजरात में, तो 2 साल के मिस हो गए थे, तो इस वजह से गुजरात वाले में मेरा नाम आया था, पर शायद कुछ इशू हो गया था तो फिर मैं नहीं जा पाया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर मेरा पुणे में नेशनल था 2023 में, तो नेशनल में से ही नेशनल गेम्स के लिए हमारे जो एथलीट्स हैं वो सेलेक्ट होते हैं, टॉप 8, ओनली टॉप 8 एथलीट्स जाते हैं नेशनल गेम्स खेलने, जिसमें से आपको पोजीशन लानी है, ठीक है, नेशनल गेम्स में। तो फिर 2023 में अक्टूबर नवंबर में ये नेशनल गेम्स हो रहे थे गोवा में, तो गोवा में नेशनल गेम्स से ये आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, नेट पे सर्च करोगे, सबको दिख जाएगा कि गोवा में नेशनल गेम्स हुए थे। तो इसमें टोटल 42 स्पोर्ट्स थे शायद, हाँ 42 स्पोर्ट्स थे, जिसमें उत्तराखंड से जब टीम गई थी तब भी हमें सीएम ने सी ऑफ किया था और हमें किट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हुई थी। तो टोटल 250 एथलीट्स गए थे यहाँ से खेलने उत्तराखंड से, एंड आई थिंक सो 30 नहीं 40 कुछ समथिंग हमारे मेडल्स आए थे। सो उसमें से एक मेडल मेरा था ब्रॉन्ज। तो ये मेडल्स से नहीं, मेरी जो जॉब लगी आपको मेडल दिखाता हूँ, देखो मेडल की मतलब जिससे रखा हुआ है मेडल, जिससे जैसे मिला है मेडल उससे पता चला कि क्या क्वालिटी होगी मेडल की, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ भी है 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023, ठीक है, गेट सेट गोवा। इसका इस अभी बताऊंगा मैं आगे वीडियो में एक और चीज़। तो आप पहले मेडल देखो, ठीक है, मेडल देखो ऐसे। तो ये है मेरा मेडल जिसकी वजह से मेरे को जॉब मिली है, ठीक है। तो सबको मतलब अभी एक गोल्डन चांस है सबके पास ही, अभी जो नेशनल गेम्स होने हैं इस ईयर नवंबर में, अभी डेट फिक्स हुई है नवंबर में, तो जो नेशनल गेम्स होने हैं वो इस ईयर होने हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड में होने हैं। जो भी उत्तराखंड से हैं एथलीट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर, तो अपने जो भी आपके मतलब जानने में एथलीट्स हैं किसी भी स्पोर्ट का, बाकी आप मेरे को इंस्टा पे कमेंट करके मतलब इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हो, वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि आप कोई भी जो आप स्पोर्ट खेल रहे हो वो ऑथेंटिक है या नहीं है, और उस स्पोर्ट का फ़ायदा है, उस स्पोर्ट की फेडरेशन कौन सी सही रहेगी, इस बारे में आप मेरे से पूछ सकते हो डीएम करके। तो पूरी जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा, ठीक है। तो जब ये मेरा मेडल आया तो हमारी टीम वापस आई अभी, और आपको एक और चीज़ बता दूँ, मेडल मनी भी मिलती है, सबको पता ही होगा, जो भी एथलीट्स होंगे उनको पता होगा कि मेडल मनी मिलती है, ठीक है। तो नेशनल के मेडल मनी समझ लो, अगर ये मेरा ब्रॉन्ज है नेशनल में, अगर मेरा ब्रॉन्ज होता सीनियर नेशनल में तो मेरे को मिलता 75,000, ठीक है। और जो नेशनल गेम्स है, नेशनल गेम्स का वैल्यू आप ऐसे समझ सकते हो कि कितनी ऊपर होगी, जिससे मेरे को जॉब मिली, और इस मेडल के मेरे को मिलेंगे 3 लाख कैश, ठीक है, तो वो अगस्त में मिलेंगे अभी, ठीक है। तो फ़ायदा अच्छा, अगर आप ये ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो भी आपको मतलब कामयाबी मिलेगी, आजकल स्पोर्ट्स में भी भाई सब कुछ मिल रहा है, बहुत लोगों को मिल रहा है। मेरे को तो अभी बहुत ऊपर जाना है अभी, मतलब अभी मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे हिसाब से देखा जाए अभी मैं कुछ नहीं हूँ, तो अभी तो मतलब जॉब मिल गई थैंक गॉड, मतलब एक तरह से थोड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल गया मेरे को कि मैं अब स्टेबल हूँ, मेरे को अपने सिर्फ गेम पे मेहनत करनी है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे हमें जॉब मिली है उसके बाद से अभी हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और अपने डिपार्टमेंट के लिए और अपने स्टेट के लिए मेडल आना है। तो जब हमारे फॉर्म आए जनवरी में, हमने फॉर्म मेरे फॉर्म भरा, तो उसमें आप पे चॉइस होती है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए अकॉर्डिंग टू आपका मेडल और अकॉर्डिंग टू आपका जो लेवल है, कौन सा लेवल आप खेले हो, इंटरनेशनल मेडल है तो और अच्छा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू उसके मेडल्स के हिसाब से आपको ग्रेड पे और पोस्ट मिलती है। तो अभी करेंटली मैं फॉरेस्ट बीट ऑफिसर हूँ, ठीक है। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऊपर भरा था पुलिस से, क्योंकि पापा ऑलरेडी पुलिस में है, स्पोर्ट्स कोच है, तो पापा ने कहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेरे लिए साथ ही रहेगा। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भरा था, तो मेरे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉब मिली। सो दिस इज़ वीडियो फॉर ऑल एथलीट्स, तो काइंडली शेयर विद योर नोन, जिसको आप जानते हो कोई एथलीट है अच्छा अच्छा स्पोर्ट खेलता है, उसको आप ये वीडियो शेयर करो। बाकी जो भी जानना हो वो मैं बताऊँगा,
एक और वीडियो मैं अभी डालूंगा जो कि नेशनल गेम्स से पहले ही अगर किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती आई, लाइक पुलिस या फॉरेस्ट या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसमें एक एथलीट्स के लिए कुछ फ़ायदा है, मतलब एक स्कीम है अभी जो कि मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो जिसने भी एंड तक देखा है भाई, लाइक शेयर कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो जो भी नए हैं चैनल पे। बाकी इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एथलीट्स हैं उनको। और बाकी नेशनल गेम्स मैंने आपको बताया नवंबर में है, उससे पहले अभी इसी मंथ से मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स की जो ट्रायल्स हैं, स्टेट चैम्पियनशिप होगी, ट्रायल्स होंगे नेशनल गेम्स के लिए। जैसे मेरे खुद के स्पोर्ट का अभी ट्रायल है 22 और 23 को शायद, तो अभी हमारे पिछले मंथ स्टेट हुई थी तो दोबारा से ट्रायल हो रहा है क्योंकि नेशनल गेम्स की डेट आ गई है। तो इसलिए मेहनत करो भाई, तगड़े हो और अच्छा खेलो, ठीक है? तो और कुछ भी डाउट होगा तो मेरे से पूछना, बाकी सब कुछ मैं बता दिया है वीडियो में कैसे कैसे जॉब लगी आपको। सिंपली देखो एक ब्रीफ बताता हूँ वापस से, आपको नेशनल खेलना है ऑथेंटिक फेडरेशन से, पहले तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेलोगे तब आप नेशनल खेलने जाओगे और जीतोगे, तो ठीक है आपको नेशनल खेलना है। और नेशनल खेलने के बाद आपको नेशनल में अगर आप टॉप 3 आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ये तो एटलीस्ट टॉप 8 में आना है आपको, जिससे आपका सिलेक्शन नेशनल गेम में हो। तो नेशनल गेम अगर आप खेल रहे हो तो उससे आपको, अगर आपकी वहाँ पे पोजीशन आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड और किसी किसी गेम में फोर्थ पोजीशन भी होती है, तो वो भी वहाँ पे मिलता है मेडल, तो वो भी वैलिड है, वो मेडल भी वैलिड है। आपका फोर्थ है तो उसमें ब्रॉन्ज लिखा हुआ है, फोर्थ पोजीशन लिखी हुई आती है, ठीक है? तो सिंपल है, अगर आपका मेडल आया नेशनल गेम्स में इस ईयर जो कि उत्तराखंड में हो रहे हैं, उत्तराखंड में जिस चीज़ जो भी उत्तराखंड का है और वो उत्तराखंड से खेल रहा है, उत्तराखंड के लिए मेडल ला रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई सबको जॉब मिलेगी, सबको, ठीक है? मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे को प्रमोशन लेना है या फिर मैं डिपार्टमेंट चेंज करूँगा या फिर प्रमोशन लूँगा, ठीक है? तो ये जो वीडियो है पूरा इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है? तो इसको शेयर कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एथलीट हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना।